कंडीशन फार्मेटिंग के बारे में बताएंगे एक्सेल में कैसे करते हैं। तो देखिए, पहले से हमने कुछ डेटा लिख लिया है तो टाइम बचाने के लिए। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो पहले आप फॉर्म में जाएंगे कंडीशन फार्मेटिंग अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्म में जाते हैं। फॉर्म में जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर कंडीशनल फार्मेटिंग लिखा रहेगा इसमें। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा, इसमें जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा हाईलाइट सेल रूल्स, इस पर जाएंगे। इसमें जाने के बाद आप आएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इस पर आएंगे। इस पर आने के बाद क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, तो ये लिखेंगे। तो हमने पहले से रो सेलेक्ट नहीं किया है, पहले से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आएंगे कंडीशन फार्मेटिंग। तो पहले से पूरा सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे ए, अगर बंदा अब्सेंट है तो ये होना चाहिए और उसमें हाईलाइट होना चाहिए रेड कलर, तो क्लिक करेंगे। फिर से इसी में जाएंगे कंडीशन फार्मेटिंग में, फिर से जाएंगे इसी में क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे हाईलाइट सेल्स में, और उसके बाद जाएंगे दैट टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे पी, पी प्रेजेंट के लिए यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए ग्रीन, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं क्लिक करके ग्रीन, अब ओके कर लेते हैं। तो करने के बाद अब देखिए ऑटोमेटिक जब हम यहाँ पर पी लिखेंगे तो यहाँ ग्रीन हो जाएगा, और ए लिखेंगे तो एब्सेंट के लिए रेड हो जाएगा। पी प्रेजेंट ए, इसी तरह से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।